आप सुनते हैं, फिर भी भगवान में उतना मन नहीं लगता जितना जगत में लगता है, इसका क्या कारण? तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका एक ही कारण है, जगत दिखाई देता है और भगवान सुने जाते हैं। भगवान सुने जाते हैं, जगत दिखाई देता है, तो सुनने से अधिक ये दिखाई दिखने वाला जगत ज्यादा प्रभावित कर देता है, क्योंकि आंख से दिख रहा है, सुन रहे हैं। पर भक्त, इसीलिए भक्त होना भी किसी वीर पुरुष का काम है, भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। एक ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। भक्त तो भगवान की कृपा से कोई भक्त बनता है। तो एक उर्दू के कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही, उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है, और यह हकीकत नहीं है तो क्या है, यह परम सत्य नहीं है तो और क्या है, उस पर हम जान देते हैं अनवर जिसको आंखों से देखा नहीं है। यह भक्ति की विशेषता है कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं है पर सुनकर ही हम उनके प्रति समर्पित हो गए, इसीलिए भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, राम से अधिक राम करता सा है। अच्छा, और भगवान जब भी आते हैं तो आप जानते हैं वे गरुड़ पर बैठकर आते हैं, और गरुड़ जी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उनके पंखों से वेद मंत्र निकलते रहते हैं, वेद ऋचाएं निकलती रहती हैं। तो गरुड़ माने वेद के मंत्र शब्द, और वे हैं भगवान के वाहन, भगवान उन्हीं पर बैठकर आते हैं और आज भी आते हैं। आज जब भी जहां भगवत कथा होती है तो भगवान शब्द रूपी गरुड़ पर बैठकर ही कर्ण मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। आज भी गरुड़ के द्वारा ही तो भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं उन मंत्रों के। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, रुक्मणी जी ने भी जब भगवान को पत्र लिखा है तो कहा, हे परम सुंदर, तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे देखा तो उन्होंने है, परम सुंदर कैसे? तो रुक्मणी जी ने उत्तर दिया बाद में कि मैंने देख लिया था। कैसे देखा था? बोले, आप मेरे हृदय में आ गए थे। तो भगवान ने कहा कि बिना देखे कैसे हम हृदय में आ गए? तो उन्होंने कहा कि आंख के मार्ग से नहीं, कर्ण मार्ग से आप हमारे हृदय में आ गए। और सचमुच भगवान कर्ण मार्ग से ही हृदय में जाते हैं, हृदय में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बात पर बात याद आई, अपने यहाँ जो कर्ण हुए वो सोना दान करते थे, कर्ण सोना दान करते थे, तो वह तो एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। पर यहाँ दोनों शब्द में श्लेष है, कर्ण एक राजा का नाम है और कर्ण इंद्रियों को भी कहते हैं। अच्छा, कर्ण सफल कब हुए? जब सोना दान करते थे, और सोना स्वर्ण को भी कहते हैं और निद्रा की अवस्था को भी सोना कहते हैं। आज भी कर्ण सोना दान कर रहे हैं, कानों के कारण ही तो हम नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं। और एक कथा आती है, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, अमर कथा, और माता पार्वती जी सो गए, तो कर्ण तो रहे पर वो सोना दान नहीं कर सके, तो सुखदेव जी ने हुंकारी भरी, तो जो जागने वाला है वह सुनता है। तो भगवान तो शब्द के गरुड़ पर बैठकर कर्ण मार्ग से हृदय में उतरना चाहते हैं, पर कर्ण को सोना दान करना पड़ेगा, ये सोए नहीं। लेकिन कहा कि अगर हम आंख बंद नहीं होगी, सोएंगे नहीं, तो हमें विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान बोले कि हमारी भक्ति पर विश्वास करके आंख मूंद लो तो सोने का सुख मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये जो है, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भगवान के भरोसे सोना, इसी को तुलसीदास जी ने कहा, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो कहा, यह जो भागवत धर्म है इसका पालन करना चाहिए। अब कहा कि इसका उपाय क्या है? बड़ी अच्छी बात है, यह तो ठीक है कि हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर निश्चिंत होकर चले, पर यह भक्ति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित रहे, इसका क्या उपाय? तो बड़ा सरल उपाय बताया,
दो उपाय बताए हैं और उन दोनों की मैं चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया कायेन मनसा कायेन वाचा मनसा इंद्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। काया से, काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से और मन से इंद्रियों से। और आगे कहा गया वानुसृत स्वभावात बुद्ध्यात्मना आत्मबुद्धि से और अनुसृत जो हमारा स्वभाव चला रहा है कई जन्मों के देन के कारण जो स्वभाव है। मैं कहता हूं ऐसा अद्भुत स्वातंत्र कहीं नहीं, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है, इसीलिए भक्ति सकल सुखाने। उसमें कहा जा रहा है कि काया से कायेन वाचा मनसा इंद्रियेर्वा और आगे का बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत यत सकलम परस्मै। तो क्या करे का नारायणायेति समर्पयेत तत। यह कवि महाराज का उपदेश है। इसमें कहा गया कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से और अपने स्वभाव के अनुसार करोत यत यत जो करो। अब यह अद्भुत बात है, धर्म कभी यह इजाजत नहीं देगा, धर्म कभी यह आदेश नहीं देगा कि जो तुम करो वही धर्म है। ज्ञान कभी नहीं कहेगा कि जो तुम करो वही ठीक है। योग कभी नहीं कहेगा कि जो विधि तुम करो तो ठीक है। यह भक्ति कह सकते हैं। इसीलिए कवि महाराज कहते हैं यही भागवत धर्म की विशेषता है कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से आप जो जो कर्म करते हैं वह भक्ति कैसे होगी। बोले बस एक काम कर लो, क्या नारायण इति समर्पयेत तत्। वह सब भगवान को अर्पण कर दो, बस इसी का नाम भक्ति है, यही भागवत धर्म है। अब भगवान को सौंपे कैसे, समर्पण कैसे करें, यह भी बात है। देखो अपने स्वभाव से जो कर्म करें तो स्वभाव तो अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान को सौंपने लायक है। अच्छा यही बात गीता में भी कही गई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा यत करोसि, यत करोसि माने जो करो, यदश्नासि जो खाओ, यज्जुहोसि।